साला मैं तो हीरो बन गया। ये कह रहे हैं कॉमेडी किंग कपिल, जिनकी किस्मत के सितारे इन दिनों काफी बुलंद है। कपिल ने यशराज बैनर के साथ साइन की है 3 फिल्मों की डील, यानी छोटे पर्दे का किंग अब चला है बॉलीवुड का बादशाह बनने। आलिया भट्ट के बाद अब सोनाक्षी बनने जा रही है राधा। जी हाँ, आलिया को चैलेंज करने जा रही है रज्जो रानी, जो राधा बनकर अपनी लेटेस्ट आइटम में थिरकेंगी। और इस लेटेस्ट अवतार के लिए कैसे उन्होंने हासिल की है छरहरी काया, चलिए दिखाते हैं आपको। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी अलग जगह बना चुकी है शोले। यही वजह है कि हर पीढ़ी को बेहद पसंद है ये फिल्म, जिसके चलते शोले को 3D में रिलीज करने का फैसला लिया गया। लेकिन दर्शकों के दिलों को जीतने का ये कदम इतना आसान नहीं था। शोले का 3D वर्जन तैयार करने में इसके मेकर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शोले का नाम जब भी आता है तो जहन में सिर्फ इसके कैरेक्टर्स नहीं बल्कि सलीम जावेद की जोड़ी भी आती है। ये सलीम जावेद की कलम का कमाल ही था, जिन्होंने शोले जैसी दमदार फिल्म की कल्पना की। ऐसे में दोनों को कहां से मिली शोले को लिखने की प्रेरणा, और कैसे बार बार ठुकराए जाने के बाद भी शोले बनी सबसे बड़ी हिट, चलिए दिखाते हैं आपको। तो मैंने अपने 3D ग्लासेस पहन लिए हैं और मैं जा रही हूँ फिल्म देखने के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे शोले ने दर्ज कराया अपना नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में।